हेलो स्टूडेंट्स आज की आपकी वर्कशीट है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर थर्टीन ये वर्कशीट है आपकी पावर शेयरिंग सत्ता में साझेदारी के ऊपर तो पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक टू डेमोक्रेसी सत्ता में जो साझेदारी का विचार है वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है ऐसा कैसे है कि वो लोकतंत्र से डेमोक्रेसी से पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही नेचुरली कनेक्टेड है वो इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड आर हैविंग डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज एट्सेट्रा therefore due respect should be given to all the the diverse groups and views that exist in a society we will understand the impact of power sharing arrangements in Belgium तो ऐसा क्यों है कि सत्ता में साझेदारी का जो विचार है वो बहुत ही नेचुरली बहुत ही स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है वो ऐसे इसलिए है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है हमारा जो समाज है उसमें बहुत ही diverse तरह के रिलीजन रेस है कास्ट है लैंग्वेज है, है बहुत ही अलग अलग तरह की जाति रंग भाषा आदि के आधार पर हमारा जो समाज है वो बटा हुआ है इसीलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो हमारे सामाजिक समूह हैं, अलग अलग तरह के समूह हैं और विविध समूह हैं, उनको हम सम्मान दें और साथ ही उनके जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके जो व्यूज हैं उनके जो मत हैं उन्हें हम सोसाइटी में उन्हें हम समाज में रखने के लिए स्पेस दें और ये पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का जो उदाहरण है वो हम बेल्जियम के थ्रू बेल्जियम एक कंट्री है उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग बहुत ही इफेक्टिव वे है डेमोक्रेसी का सो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप इट्स एथनिक कॉम्पोजिशन इज कॉम्प्लेक्स तो बेल्जियम जो है वो यूरोप की एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसकी बहुत ही छोटी सी कंट्री है वो एक्चुअली इतनी छोटी है कि ऑलमोस्ट हमारी कंट्री में हरियाणा स्टेट जो है ऑलमोस्ट उतने जितनी बड़ी है वो इट्स एथनिक कॉम्पोजिशन इज कॉम्प्लेक्स उसके अंदर uh, जो कॉम्पोजिशन है उसकी जो जातीय बनावट है वो बहुत ही जटिल है बहुत ही कठिन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड वन करोड़ उसकी जो पॉपुलेशन uh, है वो एक करोड़ के आसपास उस, उसकी आबादी है 59% नाइन परसेंट पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच अनदर फोर्टी परसेंट पीपल लिव इन दिलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच एंड द रेस्ट वन परसेंट एक्चुअली स्पीक जर्मन तो जो ये टोटल पॉपुलेशन जो है वन करोड़ की पॉपुलेशन उसमें से फिफ्टी नाइन परसेंट पॉपुलेशन जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है फ्लेमिश क्षेत्र शे, में रहती है और डच भाषा बोलती है जो बाकी फोर्टी परसेंट है वो वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है और फिर एक परसेंट जो बचा वो जर्मन भाषा बोलते हैं इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रूसिल्स 80% आर फ्रेंच स्पीकिंग वाइल 20% आर डच स्पीकिंग है वो इनकी इस कंट्री की राजधानी है कैपिटल है और वहां पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी was रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल डच स्पीकिंग कम्युनिटी got द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर तो अब सिचुएशन जो थी वहाँ पर बेल्जियम में ये थी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे जो फ्रेंच भाषी जो लोग थे वो बहुत ही माइनॉरिटी में थे जैसा कि आप देख सकते हैं जो डच स्पीकिंग है वो 59 परसेंट थे और फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो 40 परसेंट थे तो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में होने के बावजूद उनकी ये सिचुएशन थी कि वो बहुत ही रिच और पावरफुल थे और वहीं पे जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी जो डच भाषी लोग थे उनको एजुकेशन की उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आर्थिक विकास की जो लाभ थे वो बहुत ही देर में मिले थे बहुत ही बाद में मिले थे और इस वजह से दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन नाइनटीन फिफ्टीज एंड नाइनटीन सिक्सटीज़ तो इस वजह से जो नाइनटीन फिफ्टीज नाइनटीन सिक्सटीज़ में ये जो दोनों कम्युनिटीज थी फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा तनाव बढ़ने लगे बहुत ही टेंशनस आ गई ड स्पीकिंग वर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री बट वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रसल्स तो सिचुएशन एक्चुअली में ये थी कि जो डच भाषी लोग वो कंट्री में तो मेजॉरिटी थे कंट्री में वो फिफ्टी नाइन परसेंट थे बट एक्चुअली जो उनकी कैपिटल सिटी ब्रूसल्स थी वहां पर वो माइनॉरिटी में थे वहां पर वो बस बीस प्रतिशत बस ट्वेंटी परसेंट ही थे और बाकी एटी परसेंट फ्रेंच स्पीकिंग थे फ्रेंच भाषी थे अब इस वजह से वहां पर बहुत ही टसल होने लगा बहुत ही वहां पर टेंशन बढ़ गई तो फिर फाइनली वहां पर बेल्जियम गवर्नमेंट ने किया क्या आइए वो देख लेते हैं बिटवीन 1970 एंड 1993 नाइनटी थ्री फोर अमेंडमेंट फॉर ब्रॉट इन द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन सो एस टू ब्रिंग एन अरेन्जमेंट दैट वुड एनेबल एवरी वन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री तो 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम ने क्या किया उन्होंने अपने संविधान में चार बार संशोधन किया और वो सिर्फ इसलिए किया ताकि देश में किसी को भी बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके ये जो टेंशन बढ़ रही थी फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी के बीच में ये कम हो सके तो उसके लिए वो एक्चुअल चार अमेंडमेंट्स कौन से थे वो चार संशोधन कौन से थे तो वो इस प्रकार थे स्टेप्स टेकन टू रिमूव टेंशन पहला था इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो केंद्र सरकार थी उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्री जो थे उनकी समान संख्या तो वो कंपलसरी कर दिया गया कि दोनों के इक्वल नंबर होंगे ऐसा नहीं होगा कि डच स्पीकिंग या फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा होंगे बल्कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा इक्वल नंबर होगा दूसरा अमेंडमेंट वो लाए कि वाइट पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो दूसरा उनका ये संशोधन रहा कि केंद्र सरकार को की अनेक शक्तियां जो थी वो देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई तो जो केंद्र की सरकार की कई शक्तियां थी वो राज, राज्य स्तर पर जो सरकार थी उन्हें भी दे दी गई और ऐसा नहीं था कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के नीचे आता था ऐसा नहीं था बल्कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को भी बहुत ज्यादा पावर दी गई थर्ड यहाँ पर संशोधन थर्ड अमेंडमेंट यहां लाया गया सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन अब ब्रिसल्स जो उसकी कैपिटल थी जैसा कि हमने आपको बताया कि एक अलग सिचुएशन थी वहां पर वहां पर कंट्री uh, के मुकाबले वहां पर फ्रेंच uh, जो थे वो ज्यादा थे और डच स्पीकिंग जो थे वो कम थे आप यहाँ पर ग्राफ्स में भी ये देख सकते हैं तो ये ब्रिसल्स जो कैपिटल सिटी है उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है तो अब वहां पर क्या किया ब्रुसेल्स में वहां पर अलग अलग सरकारें बना दी गई तो ब्रुसेल्स में अलग सरकारें हैं इसमें दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया तो दो अलग सरकारें बना दी गई और दोनों ही कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी दी गई अब उनका लास्ट जो अमेंडमेंट था फोर्थ अमेंडमेंट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट था वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी सामुदायिक सरकार का उन्होंने निर्माण किया कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जिसमें विच इज इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी हो सकता है फ्रेंच कम्युनिटी हो या डच स्पीकिंग कम्युनिटी हो या जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी हो उसी में से एक कम्युनिटी गवर्नमेंट एक सामुदायिक सरकार बनाई गई इस सरकार के पास कौन सी शक्तियां थी दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज तो ये जो सामुदायिक सरकार थी कम्युनिटी गव गवर्नमेंट थी ये लोगों में से ही रिप्रेजेंटेटिव uh, निकाले गए और उन्हीं से ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी और लोग ही अपने ऊपर गवर्नेंस करते थे तो जब लोगों में से ही लोग निकलकर अपने ऊपर गवर्नेंस करें तो ये बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ गवर्नेंस बन गया था क्योंकि लोग सभी रिस्पॉन्सिबल बन गए थे और इनकी जो पावर्स थी वो पावर्स थी रिगार्डिंग कल्चरल सांस्कृतिक एजुकेशनल शैक्षिक और लैंग्वेज रिलेटेड भाषा संबंधी जो भी कोई इशू होते थे उससे रिलेटेड इनकी पावर्स थी अब देख लेते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर क्वेश्चंस के बाद हम आपको सैम्पल आंसर्स भी दिखा देंगे तो पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम बेल्जियम की जो जातीय बनावट है उस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ये वर्कशीट में ही है हम आपको यहाँ पर सैंपल आंसर भी अभी दिखा देंगे क्वेश्चन टू है व्हाट वर द स्टेप्स दैट वर टेकन टू ईज आउट टेंशन इन बेल्जियम टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए अगेन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो फोर अमेंडमेंट्स लेकर आए थे जो यहाँ पर लिखे हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर है अदरवाइज हम अभी आपको सैम्पल आंसर में भी ये दिखा देंगे क्वेश्चन थ्री है हाउ इज पावर शेयरिंग लिंक टू डेमोक्रेसी सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है ये भी हम सैम्पल आंसर आपको दिखा देते हैं इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझाया था क्वेश्चन फोर है डू यू अग्री विद द स्टेप्स टेकन बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट टू रिमूव टेंशन गिव आर्गुमेंट्स तो बेल्जियम सरकार ने टकराव को रोकने के लिए ये जो कदम उठाए हैं ये जो चार कदम आपको बताए गए अभी तो क्या आप उनसे सहमत हैं अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए तो अगर आपका इसके बारे में कोई ओपिनियन है तो आप बिल्कुल अपना आंसर खुद बनाकर लिख सकते हैं हमने आपको यहाँ एक सैंपल आंसर दिया है आप उसे पढ़िए और समझिए और अगर आपको लगता है कि आपका उसके अलावा भी कोई ओपिनियन है तो बिल्कुल आप वो आंसर में लिखिए हम आपको अभी ये सैंपल आंसर दिखा देते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई हो इस वर्कशीट के बाद फिर हम नेक्स्ट वर्कशीट चलते हैं इंग्लिश की वर्कशीट पर अब आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर थर्टीन इस वर्कशीट में आपको लिखना है एक लेटर तो पहले पढ़ लेते हैं कि ये लेटर किसके बारे में होगा वी रेड अबाउट अ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो अ लेटर टू गॉड चैप्टर वन द फर्स्ट फ्लाइट हु हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन लाइफ ही बिलीव दैट गॉड हेल्प एवरी वन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स होप यू लाइक रीडिंग द स्टोरी फार्मर्स इन इंडिया हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस Sometimes they face droughts and sometimes there are floods. This year, too, there have been floods in the northeastern parts of India. A huge plague of locusts threatened to destroy the crop in the month of June. You must have heard or read about it. Write a letter to one of your cousins staying in Jaipur asking him about the well being of his family and their fields.

ये स्टोरी जो है वो आपने बहुत इंजॉय की होगी तो वो स्टोरी थी लेंचो के बारे में जो जो अपनी जिंदगी में बहुत विश्वास रखता था गॉड में बहुत विश्वास रखता था भगवान में विश्वास रखता था जिससे डिफिकल्ट मोमेंट्स में भी डिफिकल्ट टाइम में भी वो उनको ओवरकम कर पाता था तो उसी स्टोरी से इंस्पायर होकर आपको एक लेटर लिखने के लिए कहा गया है तो लेटर किसके बारे में है लेटर है इंडिया में फार्मर्स के बारे में तो यहाँ पर बताया हुआ है कि फार्मर्स इन इंडिया हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस तो इंडिया में इंडिया में भी और बाहर भी जो किसान हैं उन्हें बहुत ही सारे चैलेंजेस बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं कठिनाइयाँ फ़ेस करनी पड़ती है तो कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं जैसे कि सूखा पड़ जाता है ड्राउट्स आ जाते हैं या कभी फ्लड्स आ जाते हैं बाढ़ आ जाती है जैसे कि अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी बाढ़ आए थे आपने सुना होगा उसके बारे में साथ ही साथ ह्यूज प्लेग ऑफ लोकस टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप अभी रिसेंटली जून में ये भी न्यूज में आया था कि एक बहुत भारी मात्रा में जो लोकस है कुछ एक प्रकार के कीड़े हैं जो सारी फसलों को खत्म कर देते हैं उनका भी एक ह्यूज प्लेग अभी रिसेंटली जून में आया था तो ये वही बोल रहे हैं कि उस इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक लेटर लिखना है अपने एक कजन को जो जयपुर में रहते हैं तो जयपुर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वेस्ट इंडिया पार्ट में ये लोकस का प्लेग आया था तो वहां पर वहां आपको इमेजिन करना है कि आपका एक कजन वहां पर रहता है और आपको उसको एक लेटर लिखना है अब आप लेटर किसके बारे में लिखेंगे आप लेटर लिखेंगे उसके और उसकी फैमिली की वेलबींग well के बारे में पूछते हुए उसके खेत के बारे में पूछते हुए और आपको दिखाना है कि आप उसके बारे में कंसर्नड हैं और आप अपनी बेस्ट विशेष उसको कन्वे करना चाहते हैं साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आप चाहें तो लेंचो की जो स्टोरी है वो भी आप अपने कजन को सुना सकते हैं उसमें अपने लेटर में लिख सकते हैं ताकि आपके कजन को एक होप मिले कुछ कंफर्ट मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं तीसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि आप अपने लेटर में अपना नाम लिख सकते हैं अपना एड्रेस लिख सकते हैं और नीचे ये फॉर्मेट दिया गया है तो फॉर्मेट है यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है आपको क्योंकि आप राइटर हैं, आप अपना एड्रेस लिखेंगे फिर डेट लिखेंगे फिर डियर और अपनी फिर यहाँ पर आपका कंटेंट आ जाएगा फिर आप लिखेंगे योज लविंगली और अपना नाम तो ये आप फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं अब जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो ये लेटर जो है थोड़ा लंबा होगा इन दो बातों की वजह से वो दो बातें ये हैं कि पहली बात तो ये कि ऑफ कोर्स आपको एक लेटर लिखना है तो लेटर इन इट्सल्फ उसमें कंटेंट होगा कि आप पूछेंगे कि आपका कजन कैसा है उसकी फैमिली कैसी है उसके घर में सिचुएशन कैसी है ये आप पूछेंगे साथ ही इसका दूसरा मेजर पार्ट होगा कि आपको लेंचो की जो स्टोरी है वो अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर में स्टोरी है उसे आपको शॉर्ट में लिखना है तो ये भी एक मेजर चंक बन जाएगा ये एक मेजर पैराग्राफ बन जाएगा आपके लेटर का और इस वजह से ये लेटर थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको हम एक सैम्पल लेटर अब दिखा देते हैं आप उस लेटर को पढ़िए सैंपल लेटर को पढ़िए और लिखिए और अगर आपको लगता है कि आप उसमें और भी कुछ एड ऑन करना चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आप ये चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही अगली वर्कशीट आती है तो आपको इमिडिएटली पता चल जाए थैंक यू